घटवरा में युवक की गोली मार कर हत्या। भीम आर्मी ने आरोपियों की गिरफ्तारी, पीड़ित परिवार को सुरक्षा एवं आर्थिक सहायता के लिए कलेक्टर एसपी को सौंपा ज्ञापन। शिवपुरी जिले की पिछोर विधानसभा क्षेत्र के घटवरा में दिन दहाड़े एक 40 वर्षीय युवक रामनिवास चाटो की गोली मारकर हत्या करने के मामले में फरार आरोपी की गिरफ्तारी, पीड़ित परिवार को सुरक्षा और आर्थिक सहायता के लिए मंगलवार को भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोगों ने पीड़ित परिवार के साथ कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंप कर पीड़ित परिवार को जल्द न्याय, सुरक्षा और आर्थिक सहायता दिलाए जाने की मांग की है। क्या नाम है आपका? देवेंद्र जाटव। आज एसपी ऑफिस आए हो, आप क्या समस्या लेके आए हो? मेहनत विरोधी को गिरफ्तार करवाना। क्या घटना हुई, आप पूरी बात बताओ। मेरे पिताजी को गोली मार दी। कब की घटना है ये? 28 तारीख। कौन से गांव की घटना है? घटबरा। घटबरा की। तो आपने FIR कराई होगी ना? तो आरोपी गिरफ्तार हुआ है क्या? 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। अभी कितने आरोपी और हैं जो गिरफ्तार नहीं हुए? अभी एक और रह गया। तो अभी एक आरोपी गिरफ्तारी की मांग को लेकर आए हो आप, के और क्या मांग लेके आए हो आप यहाँ पे? आरोपी गिरफ्तार हो जाए और हमारी सुरक्षा हो जाए। अच्छा, आरोपी गिरफ्तारी और सुरक्षा की मांग को लेकर आपने यहाँ आए हो। तो ये आपके साथ में कौन लोग आए, कौन से संगठन से लोग? भीम आर्मी, आजाद समाज से। अच्छा, ये दो लोग हैं, दो संगठन के लोग आपके साथ में आए हो। आपका? मेरा नाम जसरथ आजाद। अच्छा, आज आप SP ऑफिस आए हो, क्या समस्या लेके आए हो, क्या आपकी मांगे हैं? ये समस्या ये लेके आए हैं कि जो हमारी विधानसभा के अंतर्गत ग्राम घटवरा में जो हत्या हुई है, पूरे परिवार के सामने, बच्चों के सामने गोलियों से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी हमारे ग्राम निवास जाटव जी की। तो उसकी जो निम्न मांगे हैं हमारी, कि जो परिवार ने जो बयान दिए हैं, जो परिवार जिनके नाम उजागर कर रहे हैं, उन पर उनकी गिरफ्तारी हो और उन पर जो धाराएं, तो धाराओं में जो नाम जोड़े गए FIR में, वो नाम भी जोड़े जाएं जो छूट गए। कितने आरोपी बनाए पुलिस ने आपकी जानकारी के हिसाब से? अभी तो क्या है कि पहले तो उसी ने जो हत्या करने वाले लोग हैं उन्हीं की तरफ से FIR करवाई थी। अब विवेचना में जो परिवार के, जो मृतक के परिवार के जो बयान हुए हैं, अब इसमें इनने जो नाम दिए हैं, जो नाम इनने दिए हैं, वो नाम FIR में जोड़े जाएं। और जो परिवार, कितने लोगों ने हत्या की थी? हत्या की है लगभग कितने लोग? चार लोगों ने। चार लोगों ने। पुलिस ने कितनों पे मामला दर्ज किया है? अभी तीन लोग हैं उनमें। तीन लोग आ गए क्या? नहीं, कितने लोग गिरफ्तार में हुए? अच्छा, एक अभी फरार है जिसकी गिरफ्तारी की मांग के लेकर आप आए हो, और दूसरी आप सुरक्षा की मांग कर रहे हो, और अन्य मांगे भी आप? पांच मांगे हैं हमारी। पहली मांग है कि सभी जो कातिल हैं, सभी कातिल गिरफ्तार हों। और हमारी दूसरी मांग है कि परिवार की सुरक्षा की जाए, क्योंकि डरा हुआ परिवार है, इनको धमकियाँ आती हैं। हमारी तीसरी मांग है कि इस परिवार को एक बंदूक का लाइसेंस दिया जाए। हमारी चौथी मांग है, छोटे छोटे बच्चे हैं और इनका कोई कमाने वाला नहीं है, तो इस परिवार को आर्थिक सहायता भी दी जाए। और इस परिवार को पांचवी मांग हमारी, इस परिवार को एक शासकीय नौकरी दी जाए। और ये हम कलेक्टर साहब को आवेदन दिया है, हमने SP साहब को भी ज्ञापन दिया है। ज्ञापन देने के बाद उनने हमसे कहा है, आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द और एक संज्ञान में लेंगे और पूरी मांगों को पूरा करेंगे। अगर